वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महला पंजवा, राग गौड़ी ग्वारेरी चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन बिद कुशल होत मेरे भाई। सो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, चल रही लड़ीवार विचार धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 175 ते। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कृपा कर रहे हैं। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी दे ताया जी सहारी मल जी का बेटा भाई वडभागा श्री अमृतसर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की शरण में आया। उस वेले सतगुरु साहिब जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना कर रहे सन। भाई वडभागे ने बेनती की कि महाराज आप जी ने मेरी शादी विच पहुँच के सारा कार्य निर्विघनता नाल संपूर्ण किया सी। हे सतगुरु जी, मैं बहुत ही जतन करके वेख ले हाँ पर कितों भी सुख प्राप्त नहीं होया। मेरा बेनती पूर्वक प्रश्न है कि मैनू सुख किवें प्राप्त होवे अते हर थां सहायक राम परमेश्वर किवें प्राप्त हुंदा है। तां सतगुरु पातशाह जी ने भाई वडभागे वल्लों कीते प्रश्नां नूं यह पावन शब्द उच्चारण किया। महला पंजवा, पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी राग गौड़ी ग्वारेरी जाति विच पावन बाणी उच्चारण करते हैं, जिस विच चौपदे चार चार पदियां वाले शब्द हैं। मंगल करते हैं एक अद्वैत रूप परमेश्वर, ओंकार सारियां दा प्रकाशक, सतगुर सतगुरां दी प्रसाद किरपा करके प्राप्त हुंदा है। किन बिद कुशल होत मेरे भाई। हे मेरे भाई, किस बिद तरीके नाल आत्मक कुशल हुंदा सुख आनंद प्राप्त हुंदा। अति क्यों पाईऐ हर राम सहाई रहाओ। जो राम रमिया आया हरि परमेश्वर सारिआं दा सहायक है, उसनू किवें प्राप्त करिए रहाओ। जो भाई वडभागे ने अगों कहा उसनू सतगुरु अपने मुख द्वारा गुरबाणी राही कथन करदे हन, विश्राम दे के फरमाउंदे। कुशल ना गृह मेरी सब माया। हे सतगुरु जी, गृहस्थी होण करके भी सुख प्राप्त नहीं होया। गृह घर मकान ते यह सारी मेरी माया है, इत्याद इन्हां नू अपना समझ के भी सुख नहीं मिलता। ऊचे मंदर सुंदर छाया। हे भाई जी, सुख वास्ते उच्चे उच्चे मंदर पक्के मकान बना ले अते सुंदर सोहनी छाया छां वाले बगीचे भी लवा ले। छाया तंबू आदकां दीआं कनातां तान लीआं। झूठे लालच जन्म गवाया। महाराज जी, इन्हां झूठे पदार्थां दे लालच लोभ विच लग के जीवां ने अपना मनुखा जन्म व्यर्थ ही गवा लिया है। हस्ती घोड़े देख विगासा। जेडे पुरख हस्ती हाथी घोड़े आदि सारिआं नूं वेख के विगासा प्रसन्न हुंदे हन। अते लश्कर जोड़े नेब खवासा। दुनिया दे रजवाड़ियां दे मालक बन के पैदल रथ वालियां घोड़ चढ़ियां ते हाथियां वालियां फौजां रख लैंदे। जोड़े किए पछाके पहन लैंदे हन। नेब किए चोबदार अते खवासा चौर बरदार। नेब खवासा एक खास नौकर दा नाम हुंदा है। नेब खवासा खास हजूरीए सेवक नौकर इत्याद रख के खुश हुंदे हन। गल जेवड़ी होमै के फासा। इउं उन्हां दे गल विच माया दे मोह दी रस्सी फाही पै गई है अते उह हंगता ममता दे फासा किए फाहे विच फस गए हन। उन्हां दे गल विच इस लोक विच हंगता ममता दा फाहा है अते परलोक विच जमां दी जेवड़ी फाही पैंदी है। गल विच हंगता ममता रूपी जेवड़ी दे होण करके अंत नूं जमां दे फाहे विच फसदे हन। इस करके इन्हां कमां विच भी सुख नहीं दिसिया। राज कमावै दह दिस सारी। कोई चक्रवर्ती राजे बन के
दसां दिशावां भाव सारी धरती नूं जित के राज कमाउणा करदे हन। माणे रंग भोग बहु नारी, बहुत सारिया इस्त्रियां दे नाल भोगां नूं भोग के रंग रलियां आनंद नूं मानना करदे आ। ये सारे सुख तो इस प्रकार हन, ज्यों नरपत सुपने भेखारी, जिमें कोई भिखारी मंगता सरहाने ठूठा रख के सुता होवे अते सुपने विच नरपत नरां दा पति भाव राजा बन के राज भाग भोगदा होवे, पर अख खुलण ते उही भिख्या लैण वाला मंगता ही हुंदा। इस प्रकार इन्हां चीज़ां विचों कोई सुख नहीं मिलदा। एक कुसल मोको सतगुरु बताया, हे भाई मोको मेरे ताई श्री गुरु रामदास साहब जी ने बताया कि ये दसना कीता है कि एक कही एक गल विच ही कुसल सुख आनंद है, जो इस प्रकार है, हर जो किश करे सो हर क्या भगता पाया। हरी परमेश्वर जो कुछ भी करे करता है वह हरी दे भगतां नूं पाया चंगा लगता, भगत जनां ने उस नूं चंगा समझा आया अते वह प्रसन्न रहिंदे, भाव परमेश्वर जीवां दी करनी अनुसार सुख दुख दिंदा। इस प्रकार उसदे बाणी नूं मन के आनंद विच रहना चाहीदा। हुण सतगुरु जी भाई वडभागे वल्लों कीते दूजे प्रश्न का उत्तर दिंदे आ। जन नानक होमै मार समाया, सतगुरु साहिब जी कथन करदे हन कि हे भाई भगत जन होमै हंगता ममता नूं मार के परमेश्वर विच समाउणा करदे हन। इन बिद कुसल होत मेरे भाई, हे मेरे भरा मेरे भाई, इस बिद तरीके नाल कुसल सुख प्राप्त हुंदा है। इउं पाईऐ हर राम सहाई, रहाउ दूजा, जो राम रमिया होया परमेश्वर सारियां दा सहायक है, उस नूं इस प्रकार भाणे विच चल के पाईदा है, भाव होमे नूं मार के सारियां दी सहायता करन वाले हरी राम परमेश्वर नूं मिलीदा है, रहाओ दूजा। सो इस अपरोक्त ते अगले शब्द की गिणती का अंक 71 ही है, भाव इन्हां दोनों शब्दों की गिणती एक ही है। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, फिर भाई वडभागे ने बेनती की कि सतगुरु जी भरम नहीं मिटदा, यह बनिया ही रहिंदा है, आप जी कृपा करके इस भरम नूं मिटना करो। तो सतगुरु साहिब जी फरमाउंदे हन, क्यों भ्रमियै भ्रम किसका होई, हे भाई किस वास्ते भ्रमण करदे हो, भ्रम विच क्यों पैंदे हो, मन दे संकल्पां करके क्यों भ्रमदे फिरदे हो, ते जो यह अणहोया भ्रम तुहानू चिंबड़िया आ यह किसदा है। जा जल थल महीअल रविया सोई, जा गईए जदों जल थल खुशक थावां महीअल विच, मही धरती अल आकाश विच, ओहो परमेशर ही व्यापक है, उस परमेशर तो बिना कोई चीज़ देखण विच नहीं आउंदी। जिस प्रकार पारस नाल लोहा धांत छूहण ते सोना बन जाता है, इउं जिस दी मन दी बिरती शब्द रूपी पारस नाल छो जाती है, उदों सारा जगत ही वाहिगुरू की जोत दिस आउंदा है, फिर भरम दा थां किते है, भाव भरम किते भी नहीं है। गुरमुख उभरे मनमुख पत खोई, इस तरह संसार नूं भरम रूप जाण के गुरमुख जन गुरां दे शब्द द्वारा संसार समुंदर तों उभरे बच गए हन, अते मनमुखां ने चिंता विच भरम विच पै के दुनिया करके विकारां करके अपनी इज्जत खोई कहीए खो लई आ गवा लई आ। जिस राखै आप राम दयारा, हे भाई जिस नूं दयारा दया दा घर राम परमेश्वर आप रखता है, तिस नहीं दूजा को पहुँचन हारा राव, उस भगत जन की बराबरी करन लई कोई होर दूसरा पहुँचन हारा पहुँचन वाला नहीं हो सकता, रहाओ। सब मह वरतै एक अनंता, हे भाई अनंता अंत तो रहत परमेश्वर सारियां विच ही अद्वैत रूप होके वरतै वरत रहा है। ता तू सुख सौ होए अचिंता, हे भाई तिस करके तू सारिया अचिंता चिंतावां तो रहत हो करके आत्मक सुख दे सौ समेत होना कर। ओह सब किश जाने जो वरतंता, जो कुछ भी साढ़े अंदर वरत रहा है, ब्रह्मांड विच वरत रहा है,
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁੱਖ ਮੋਏ ਜਿਨ ਦੂਜੇ ਪਿਆਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵੈਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮੁੱਖ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਿਆਸਾ ਤ੍ਰੇਹ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਮਨਮੁੱਖ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਵੈ ਧੁਰ ਕਿਰਤ ਲਿਖ ਆਸਾ, ਉਹ ਮਨਮੁੱਖ ਜੀਵ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੋਨੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਤੈਸਾ ਖਾਸਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸਦਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਭੋਗਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖ ਦਰਸ ਮਨ ਭਇਆ ਵਿਗਾਸਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸਾ ਖੜਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਗਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਪਰਗਾਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵਡਭਾਗੇ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਜੀਵ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਧਾਰੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਹੇ ਭਾਈ, ਕਈ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀਟ ਕੀੜਾ ਦੀਵੇ ਉੱਤੇ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਪਤੰਗਾ ਪਰਵਾਨਾ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਹਾਥੀ ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਕੁਰੰਗਾ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਛੀ ਬਣ ਬਣ ਉੱਠਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਨਮ ਸਰਪ ਸੱਪ ਜੂਨੀ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 526 ਅੰਗ 'ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲਛਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਔਤਰੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਘੋੜੇ ਵਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਵ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਖ ਬਲਦ ਬਣ ਕੇ ਜੋਇਓ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੋਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਖ ਰੂਪ ਰੁੱਖ ਰੂਪ ਜੋਇਓ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਹੇ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਰੀਆ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ ਰਹਾਉ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿਰੰਕਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਰਹਾਓ, ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਿਲਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਗਿਰ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝਰਨੇ ਝਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਰਿਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਰ ਖਰਿਆ ਛਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਿਰ ਨਾਮ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਖਰਿਆ ਨਾਮ ਖੁਰੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਰ ਉਪਾਇਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖ ਖੇਤੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਖੇਤੀਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 84 ਜੂਨ ਪਰਮਾਇਆ,
इस प्रकार यह जीव अंडज जेरज सेतज अते उत्पज विच पैदा करके 84 लाख जूना विच भरमाया कहीए फेरिया गया। भ्रम आया भ्रम भरम दा फिरदा आया हुण मनुखा जन्म विच आया है। साध संग भयो जन्म प्राप्त कर सेवा भज हर हर गुरमत। हे भाई इसलिए मनुखा जन्म साध संग श्रेष्ठ जना की संगत करन लई प्राप्त भयो कही होया है। इउं इस जन्म विच टहल करके अते गुरमत गुरसिख्या द्वारा हरे भरे करन वाले परमेश्वर दे नाम नूं भजना जपना करो। त्याग मान झूठ अभिमान यह जीव मान वड्याई आदि इच्छा झूठ अते अपने शरीर गुणा दा इतियाद दा अभिमान हंकार छड देवे अते जीवत मरहै दरगहै परवान। जीवत भाव तो मर जाए तो परमात्मा की दरगाह विच प्रमाणिक हो जाएगा। जो किश होआ सो तुझ ते होग। वाहिगुरु दे सन्मुख चित नूं करके यह जाने कि हे परमेश्वर जिन्ना कुछ भी संसार ते होया हो रहा वो तुझ किए तेरे तो ही पैदा होग होया है ते होवेगा। अवर न दूजा करणै जोग तुहाडे तो बिना होर दूसरा कोई भी करन दे योग लायक नहीं है। ता मिलिया जा लै मिलाए। हे महाराज तेरे नाल तां मिल सकीदा है जेकर तुसी किरपा करके सतगुरां दी शरण विच पा के संगत नाल मेल करके अपने नाल मिला लेवें। कहो नानक हर हर गुण गाए। सतगुरु साहिब जी कथन करते हैं कि हे भाई इस प्रकार यह जीव उस हर हर परमेश्वर दे गुणा नूं गा के अपने मनुखा जन्म नूं सफल करके उस वाहिगुरु विच अभेद होना करे। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम। हे भाई इस मनुखा देह रूपी कर्म भूमि विच भारत खंड की धरती विच रह के परमेश्वर दे नाम रूपी बीज नूं बोह बीजना करो क्योंकि कर्म धरती शरीर युग अंतर जो बोवै सो खात। पूरन होए तुम्हारा काम। जिस करके तुहाडा धर्म अर्थ काम मोख आदि सारे काम कारज पूरे हो जाणगे ते होणगे। फल पावै मिटै जम त्रास। ब्रह्म ज्ञान रूपी फल सुख रूपी फल पा लवोगे ते जमा दा त्रास डर भी मिट जाएगा। नित गावै हर हर गुण जास। जेकर निता प्रति हर हर परमेश्वर दे गुणा दा जस गाउणा करोगे जो गुरमुख जन निता प्रति परमेश्वर दे गुण गाउंदे हन उन्हां नाल मिलके तुसीं भी हर हर परमेश्वर दे जास कहिए जस नूं गाउणा करो नाम जपना करो। हर हर नाम अंतर उर धार। जो हर हरेक दे पापा नूं हरन वाला हर परमेश्वर दा नाम है उसनू और हिरदे दे अंतर की अंदर धारना करो वसाउणा करो अते सीगर कारज लेहो सवार। रहाओ मौत दा समा नेड़े आउण तों पहला इस मनुखा जन्म विच जल्दी ही शीघर ही अपना मुक्ति रूपी कारज सवार लेना करो। रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे सतगुरु अपने प्रभ सिओ हो सावधान। हे भाई अपने प्रभु मालक परमेश्वर नाल उस परमेश्वर की प्राप्ति ताई सावधान एकाग्रचित हो करके जुड़ना करो। ता तू दरगह पावह मान। ता तू कहिए तुसी परमेश्वर वाहिगुरु की दरगाह विच भाव सचखंड विच माण आदर सत्कार पाउणा करोगे। उकत सियाणप सगली त्याग। अपनी उकत चतराई दियां गल्लां करनियां अते बुद्धि दियां सारियां सियाणपां त्याग छड़ना करो। पातशाह दा पावन सलोक है सुखमनी साहिब जी दे विच तज हो सियाणप सुरजन हो सिमरहो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पहुँ जाए। बस एक आस रखो नाम जपना है सिमरन करना है ते पातशाह कहिंदे दुख भरम पौ जाए अपने आप चले जाणगे। संत जना की चरणी लाग। शांत आत्मा गुरु साहिब संत सरू महापुरख जन
गुरमुख जना दी चरणी चरणा नाल लगना करो। सर्ब जी है जाकै हाथ, जिस वाहिगुरु परमेशर दे हुक्म रूपी हाथ विच सारे ही जीव जंत हन, कदे न विछड़ै सब कै साथ। ओह परमेशर सारियां दे साथ अंग संग है, कदे भी विछड़ै विछड़दा नहीं, भाव वखरा नहीं हुंदा। उपाव छोड़ गहो तिसकी ओट, ये सारे ये करके सारे उपाव जतना नू छड़ करके उस परमेश्वर दी ओट टेक आसरे नू ग्रहण करो। निमख माहे होवै तेरी छोट, जिस नाल तुहाडा अख खोलन मीचण दे समय विच छुटकारा हो जाएगा। सदा निकट कर तिसनों जान, तिसनों की उस वाहिगुरु नू सदा हमेशा अपने निकट नेड़े करके जानना करो। प्रभ की आग्या सत कर मान, परमेशर दी आग्या हुक्म भाणा रजा नू सत बचन सच करके मान मनना करो। गुर कै बचन मिटावहो आप, सतगुरां दे बचन उपदेश दी कमाई करके अपने अंदरों आपा भाव हंकार नू मेटना करो। हर हर नाम नानक जप जाप, सतगुरु साहिब जी कथन करदे हन कि हे भाई, इस प्रकार उस हर हर परमेशर दे नाम दे जाप नू जपना करो। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा, हुण इस पावन शब्द वे सतगुरु साहिब जी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी गुरु जी दे बचना दी महिमा वड्याई उचारण करदे आ। गुर का बचन सदा अविनाशी, हे भाई सतगुरु साहिब जी का बचन उपदेश हमेशा सदा ही अविनाशी कहिए नाश तो रहत है। गुरु साहिब जी के बचना की कमाई करके सदा वास्ते अविनाशी पद नू पा लईदा। गुर कै बचन कट्टी जम फासी, सतगुरु साहिब जी दे उपदेश बचन की कमाई करके जमां दी फाही कट्टी जांदी है। गुर का बचन जी कै संग, सतगुरां दा बचन उपदेश तां सदा ही जी दे अंग संग रहण वाला है। गुर कै बचन रचै राम कै रंग, सतगुरां दे बचन बचना महावाकां द्वारा राम परमेश्वर दे रंग प्रेम विच रच जाईदा। जो गुर दिया सो मन कै काम, जो सतगुरु साहिब जी ने उपदेश दिता है ओह लोक पर अते परलोक विच साडे मन दे काम कहिए काम आउण वाला है। संत का किया सत कर मान रहाओ, इस करके संत शांत आत्मा गुरु साहिब जी का कीता आ जो उपदेश है उसनू सच करके मान मनना करो रहाओ। गुर का बचन अटल अशेद, हाँ सतगुरां दा बचन उपदेश अटल है, टलण तो रहत है अते अशेद कटण तो भी रहत है। गुर कै बचन कटे भ्रम भेद, गुर कै बचन कटे भ्रम भेद, सतगुरां दे बचन बचना नाल भेद भरम आदि सारे भरम कटे जाते। भ्रम पांच प्रकार का भरम ते भेद छे प्रकार के भेद इत्ते आदि सारे नाश हो जाते कटे जाते। गुर का बचन कत हो न जाए, सतगुरु साहिब जी का बचन उपदेश ग्रहण करन वाला जीव जूना विच आदि किधरे भी नहीं जाता। गुरु साहिब जी का बचन कदे व्यर्थ नहीं जाता, खाली नहीं जाता। गुर कै बचन हर के गुण गाए, गुरां दे बचन उपदेश द्वारा ही परमेश्वर दे गुण गाउणा करो। गुर का बचन जी कै साथ, सतगुरां दा बचन उपदेश जीव हिरदे दे साथ नाल रहिंदा। गुर का बचन अनाथ को नाथ, सतगुरु साहिब जी का बचन अनाथ गरीबां दा नाथ स्वामी है। गुरु जी का बचन अनाथ जिन्हां दा कोई मालक नहीं उन्हां नू सारयां दा नाथ मालक बना दिंदा। गुर कै बचन नरक न पवै, सतगुरां दे बचनां दी कमाई करन नाल जीव नू मुड़ के नरकां दे दुखां विच नहीं पैना पैंदा। गुर कै बचन रसना अमृत रवै, हे भाई इस करके गुरु साहिब जी दे बचन उपदेश द्वारा ही रसना जीबा अमृत नाम नू रवै कहिए उचारण करदी है, अमृत रस नू रवै माणदी है। गुर का बचन प्रगट संसार,
सतगुरु साहिब जी का बचन उपदेश सारे संसार विच प्रगट प्रसिद्ध है। जो गुरु जी के बचना की कमाई करता है वह सारी दुनिया विच प्रगट हो जाता। गुर कै बचन न आवै हार। सतगुरु जी के बचन उपदेश मनण नाल कदे भी लोक परलोक विच हार नहीं आउंदी। जिस जन होए आप किरपाल। जिस जन सेवक उपर महाराज आप किरपालू होए आ। नानक सतगुर सदा दयाल। गुरु जी कथन करते हैं कि उस उपर सतगुरु साहब जी सदा ही हमेशा ही दयालु किरपालू होंदे आ। जिस उपर सतगुरु नानक देव जी सदा दयालु हन उस जन उपर आप वाहिगुरु किरपालू होया। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। हुण इस पावन शब्द विच गुरु साहब जी परमात्मा दे पर उपकार बारे दसदे होए फरमाउंदे हन। जिन कीता माटी ते रतन। हे जीव, जिस वाहिगुरु परमेश्वर ने मिट्टी आदि पंज तत्तां दा समेल करके तेरा रत्नां दी न्याई अमोलक शरीर बना दिता है। मिट्टी आदि पंजां तत्तां करके रक्त बिंद दा बनिया होया जो शरीर है इस नूं गुणा करके रत्नां वर्गा चमकीला बना दिता है। गर्भ मह राखिया जिन कर जतन। फिर माता दे गर्भ पेट विच बड़े जतना नाल तैनूं रखना कीता तेरी रखिया कीती। जिस वाहिगुरु ने माता दे गर्भ पेट विच अपना सिमरन दे के तैनूं रखना कीता। हे जीव, उस परमेश्वर नूं मिलण दा जतन कर, उस दी प्राप्ति दा जतन कर। जिन दीनी सोभा वडे आई। हे जीव, जिस परमेश्वर ने तैनूं इस लोक विच सोभा महिमा अते पदार्थां करके वडियाई उस्तत बख्शी है, गुणा नूं धारण करने करके तैनूं परलोक विच वडियाई देवेगा। तिस प्रभ कौ आठ पहर त्याई। उस प्रभु मालक वाहिगुरु नूं तूं अठे पहर रात दिन स्वास स्वास त्यौणा कर। रमैया रेन साध जन पावो। हे जीव, रमैया रमे हुए व्यापक परमेश्वर दे संत जना दी गुरु साहिब जी दी रेन धूड़ी पौना कर। गुरमिल अपना खसम त्यावो रहाओ। सतगुरु साहिब जी नाल मिलाप करके अपना जान के मालक परमेश्वर नूं त्यौणा कर रहाओ। विश्राम दे के सतगुरु फरमाउंदे जिन कीता मूड ते बकता। हे जीव, जिस वाहिगुरु ने तैनू मूड मूर्ख बेसमझ तो चार वेदा खट छे शास्त्रां सताई सिमृतियां पुराणा गीता आदा बगता बोलन वाला भाव कथावाचक पंडित विद्वान बनाउणा कीता है। जिन कीता बेसुरत ते सुरता। जिस वाहिगुरु ने तैनू बेसुरत नू अग्ञात ते सुरता ज्ञान वाला बनाउणा कीता। जिस प्रसाद नवै निध पाई। जिस वाहिगुरू दी प्रसाद किरपा करके पद्म महापद्म नील आदिक नौ निध निधियां पाई प्राप्त कर दित्तियां। सो प्रभ मन ते बिसरत नाही। ओहो प्रभु मालक वाहिगुरू तैनूं कदे भी मन तों बिसरत भुलना नहीं चाहीदा। जिन दिया निथावे कौ थान। हे जीव, जिस वाहिगुरू ने तैनू टिकाणे तों हीणे नूं तेरे को कोई थां नहीं सी तैनूं थां वाला बनाया। हे जीव, तैनू थावें टिकाणे तो रहत जूना विच भरमदे होए नूं परमेश्वर ने अपने विच भेद करन रूपी सरूप रूपी थां दिता है। जिन दिया निमाने कौ मान। जिस वाहिगुरू ने निमाणे माण वडियाई तो हीणे नूं माण बख्शिया है। हे जीव, जिस परमेश्वर ने तैनू निमाणे नूं ब्रह्म ज्ञान द्वारा सरूप की प्राप्ति रूप माण वडियाई दिती है। जिन कीती जिन कीनी सब पूर्ण आसा। जिस वाहिगुरू ने सारे जीवां दी आसा इच्छा पूर्ण पूरी कीती है। सिमरो दिन रैन सास गिरासा। हे जीव, ऐसे उपकारी परमेश्वर नूं रात दिन साह लैंदिआं स्वास स्वास अते गिरासा ग्राही लैंदिआं भोजन खांदिआं हर वक्त ही सिमरना कर। जिस प्रसाद माया सिलक काटी। जिस वाहिगुरू दी प्रसाद किरपा करके माया दी सिलक फाही कटी जांदी है। गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी। जिस उपर गुरु साहिब जी दी प्रसाद किरपा हुई है उसने देवत्यां दे अमृत अते बिख वेहो जहर नूं एक रूप करके खाटी प्राप्त कीता है, भाव दुख सुख नूं सम करके जाणिया है। कहो नानक इस ते किश नाही।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹੋ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਕਉ ਸਾਹ ਲਾਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀ ਕਹੀਏ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ, ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ, ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬੇਭੂਤੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬੇਭੂਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।